सफर सच में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी रांची के फिरायलाल चौक पर मैं स्थित हूं और मुझे एक ऐसे व्यक्ति मिले जिनके हाथ पे एक बोर्ड है और उस बोर्ड को आप मैं दिखाना चाहूंगा। कैमरामैन से इधर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बोर्ड को इस बार दिखाएं और इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, मुझे थाने द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, कारण पूछने पर कोई वजह या केस के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं, ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही क्यों किया जा रहा है। इसमें लिखा हुआ है #फ्यूचर ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन झारखंड। तो सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ऐसा इनके साथ क्यों किया जा रहा है और ये क्या करते हैं, इनका नाम क्या है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। अच्छा, आप आपके ऊपर ऐसा केस क्यों मतलब है कि आपको बार बार थाना से कॉल आता है या फिर रिसीव कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है? ये क्लाइंट्स लोग जो लोग पैसा देते हैं पुलिस वाले को, उसके हिसाब से ये लोग अपना प्लान बना के मुझे उठा करके ले जाते हैं। आप ऐसा करते क्या हैं जो आपको उठा के ले जाते हैं? प्रशासन तो बुरबक बेवकूफ़ है नहीं यहाँ के झारखंड के रांची के। आप ऐसा काम क्या करते हैं जो आपको उठा के ले जाया जाता है? जी, मेरा वेब डिज़ाइन डिजिटल मार्केटिंग का काम है। अच्छा। क्लाइंट्स का कोई भी डिस्प्यूट्स होता है तो ये लोग जो है, एक तो आईटी इंडस्ट्री के बारे में इन लोगों को कुछ भी नहीं मालूम है, उल्टा पुल्टा काम करते रहते हैं। और कहाँ पे आपका ऑफिस कहाँ है? मेरा ऑफिस जो है अशोक नगर में पहले था, जिसको कि इन्होंने नोच नाच के ख़राब कर दिया है। ठीक है, फिर मैंने दोबारा एक ऑफिस अभी खोला है सहजानंद चौक हरमू पर। इससे पहले भी मैंने बहुत से क्लाइंट्स यहाँ लाए थे जो यहाँ पर रांची में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी थे, उन लोगों को भी नोच नाच करके कभी ज़मीन का उल्टा पुल्टा रेट बताते हैं, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर, कभी स्टोरी कुछ और बताते हैं। ऐसे बहुत से इंडस्ट्रीज़ हैं जो यहाँ झारखंड में, इसीलिए कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आता झारखंड में। तो आपको आपका क्या कहना है कि आपको कितना बार, अभी तक कितना बार थाना ले जाया गया है इसके दौरान? 5 से 6 बार ले जा चुका है। 5 से 6 बार, तो आपको वजह नहीं पता कि आपको कारण क्या है, क्यों ले जाया जाता है? आपके ऊपर भी तो कुछ हो सकता है। हो सकता है ज़रूर, मैंने भी हो सकता है गलती किया है, लेकिन मैं एक केस बता रहा हूँ। फ्राइडे को मुझे खेलगांव थाना बुलाया गया था। अच्छा, खेलगांव थाना, क्यों बुलाया गया था? खेलगांव थाना में वहाँ जाके मैंने पूछा कि मेरा केस क्या है। इन्होंने बोला गोपनीय डेटा है, ठीक है, हम बता नहीं सकते हैं। तो मैंने पूछा फिर बुलाए क्यों हैं, किस बिहाफ पर आप बुलाए हैं यहाँ पर? कुछ नहीं, क्लाइंट्स जो जिन्होंने पैसा दे करके वो केस किया है या जो भी किया है, ठीक है, वो जो है वो बोलते हैं कि आपको जो है लैपटॉप लेके आना है और इनका आईडी, यूज़र आईडी, पासवर्ड जो है इनको दे देना है। ठीक है, मैं बोला मैं ऐसे क्यों दे दूं भाई, इतना कॉन्ट्रैक्ट बना हूँ सारा चीज़। आप वेब डिज़ाइन का काम करते हैं ना? जी सर। आईटी सेक्टर में? जी सर। इसके ऊपर केस भी हुआ, FIR दर्ज हुआ होगा पहले ना? जी सर, पहले हो चुका है। ठीक है, उस समय भी तो उसका वजह क्या रहा है, FIR होने का वजह क्या रहा है आपके ऊपर? जो फर्स्ट टाइम आपके ऊपर FIR हुआ, उसका कोई ना कोई वजह तो होगा। जी, पहले 3-4 बार मुझे लोअर बाजार थाना उठा के ले गई थी। वहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन किया कि भाई आप मतलब मेरा प्रॉब्लम क्या है, केस क्या है, बताइए, कुछ नहीं बताते हैं। अनजान एक रूम वहाँ पर है जिसमें मुझे बंद करके रखाया था, मोबाइल छीन करके रखाया था, 2 से 3 दिन, 2-2 बार मुझे वहाँ रखा गया है। मेरे भाई लोग और बाकी लोग रिपोर्टर लेके जिस दिन आए हैं तब जा कर के मुझे छोड़ा गया है। ठीक है, उस दिन मुझे बॉन्ड बना के दिया गया था कि आपको जो है डॉक्टर भारती कश्यप का जो केस है वो मतलब आपने हैंडओवर कर दिया है, इसके बाद आपका इनसे कोई लेना देना नहीं है। वो बॉन्ड पेपर आज तक मुझे दिया नहीं गया है। ठीक है, ऐसे करके ये लोग जो है किसी ना किसी रीज़न से मुझे बुलाते हैं और केस बनाते हैं कि इन्होंने लोअर बाजार थाना में या पुलिस के साथ मारपीट किया है, ऐसे कर करके ये लोग केस बनाते हैं। आपके पास यहाँ पे और कितना इसमें और सब में एक ही लिखा हुआ है? एक ही लिखा हुआ है। सर कुछ आप बताना चाहेंगे सर, किस टाइप का केस हुआ, आपको कुछ जानकारी है इसके बारे में? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। इन लोग तो शायद ट्रैफिक पुलिस वाले हैं ना, सब चीज़ मालूम है सबको, केस नंबर कुछ पूछ रहे थे अभी सर आपसे इन लोग? हाँ, अभी सब नाम पता एड्रेस सब सारा चीज़ पूछा, क्या केस था सब अभी बता रहे थे कि जेल कहाँ हुआ, ये हुआ, अपने बता रहे थे। आप पूछने गए तो आपसे नहीं ये बता रहे हैं। केस के बारे में आपको कोई आइडिया हो तो बताइए। केस में मुझे 420 का केस लगाया गया था। ठीक है, कि उसमें मतलब यूज़र आईडी पासवर्ड मैंने दिया नहीं था, जबकि मैंने सारा चीज़ हैंडओवर कर दिया था पहले। ठीक है, या आपको कोई लगता होगा आपके हैंड से कोई गलती हुआ होगा कोई कभी? देखिए, मैं जनरली
सारे चीज़ें रिटर्न करता हूँ ताकि मेरे एंड से भी डिस्प्यूट्स ना हो और क्लाइंट्स के एंड से भी डिस्प्यूट्स ना हो। या कोई आदमी से कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आपको? नहीं, देखिए क्लाइंट्स कहीं भी आप काम करेंगे, क्लाइंट्स थोड़े वो तो रिक्वायरमेंट्स जब मैं जैसे मांगता हूँ तो थोड़ा वो तो खासकर बिहार झारखंड में आपको रिक्वायरमेंट्स कोई जल्दी देता नहीं है। लिखने पढ़ने से लोग इतने भागते हैं यहाँ बिहार झारखंड में, जो कंपनी चलाते हैं या कुछ करते हैं वो लोग रिक्वायरमेंट्स जल्दी देते नहीं ढंग से। पुलिस वाले आखिरी बार आपको कब उठाएंगे? ये कल उठा के ले जाने की बात किए थे खेलगांव थाना वाले। आपको फ़ोन आया था क्या? जी जी सर। किस थाने से आया? खेलगांव थाना से। और वो फिर कुछ बोल रहे थे आपको? वो लोग बोल रहे थे अगर तुम नहीं आओगे तो हम आके तुमको उठा। तो मैंने पूछा कि भैया मेरा केस क्या है, मैंने मर्डर किया है, रेप किया है, चोरी किया है, क्या किया है, किस बिहाफ पर मुझे यहाँ बुलाया गया है। तो ये लोग बोलते हैं गोपनीय डेटा है, हम नहीं बता सकते हैं। तो मैंने पूछा कि भाई गोपनीय डेटा है तो फिर मुझे बुलाया क्यों है, ठीक है? तो फिर वहाँ पर कुछ नहीं ये लोग बताते हैं, अभी तक मुझे मालूम नहीं है कि वहाँ पर केस क्या है, ठीक है? आज जो है कल सुबह भी मुझे उठा कर इसके पहले जब उठाया गया तो उस समय कुछ बताया गया था? उस समय भी लोअर बाजार थाना में भी शुरू के 2-3 बार जब मुझे उठाया गया था मुझे कोई केस की जानकारी नहीं बताया गया। कि एक बार भी आप केस के बारे में कोई? अभी तक आपको कितने बार उठाया गया था? 5 बार लोअर बाजार थाना वाले उठा चुके हैं, 6ठी बार। आपको कितने दिन तक रखते थे? 2 से 3 दिन। और कोई वजह बताते थे छोड़ने का? नहीं, कोई नहीं वजह बताते थे, अपने आप को छोड़ देते थे आपको? मेरे भाई लोग जो है कुछ रिपोर्टर्स लेकर के जब आते थे तब उनको छोड़ते थे कि पुलिस का बदनामी होगा या जो भी रीज़न होगा, ठीक है, इसलिए वो छोड़ते थे। अदरवाइज जो है ना अगर मेरे भाई बहन भी अगर नहीं आते तो ये लोग ऐसे ही पड़े रहे। आपके सपोर्ट में और कोई है आपके बारे में कुछ जो बोले उनको भी पता हो? एक रिपोर्टर हैं और 2 मेरे भाई मतलब फैमिली मेंबर्स लोग हैं। वो आए हैं आपके साथ में? नहीं, अभी नहीं आए सर। आप ये कदम आप अकेले उठा रहे अभी? जी सर, मैं हर तरीके से जब परेशान हो गया हूँ, मैं यहाँ के SSP, CTSP सबके पास गया हूँ, सबको मेरी स्टोरी भी मालूम है, लेकिन सब जो है वहाँ बुला करके उसे बैठा के काम करवाते हैं। मैंने बोला कि सर मैं यहाँ अपना कंप्लेन करने आया हूँ, मुझे बैठा के क्यों काम करवाते हैं? तो नहीं, चुपचाप तुम बैठ के करो, तुमको यहाँ जाना नहीं है, मैं अपना कंप्लेन रजिस्टर करने आता हूँ तो यहाँ बैठा के लोग काम कराते हैं। चलिए बैठा के काम भी कराते हैं, पैसा भी नहीं देते हैं, दूसरा है 3-4 दिन फिर जेल में। फिर लास्ट टाइम जो आपको कॉल आया था उस समय क्या बोला था? उस समय भी गए थे क्या थाने? ये संडे को मुझे बुलाया गया था। आप गए थे? नहीं, खेलगांव मैं नहीं गया हूँ, अकेले तो एकदम नहीं जाऊँगा मैं लोगों से। इसके बाद दोबारा आपको कॉल आया था फिर? कल नहीं गया, संडे को। आज फिर बुलाया गया था आज। जी कौन? वही खेलगांव से था? जी सर। अभी फिर दोबारा कॉल तो नहीं आया आपको? नहीं, 2 बजे बुलाया गया था, मैं नहीं गया हूँ। क्यों? मैं जानता हूँ मुझे वहाँ लैपटॉप लेके बुलाया जाता है। मैंने पूछा कि भाई लैपटॉप की क्या रिक्वायरमेंट है, तो बोलते हैं कि बेसिकली वो करेंगे क्या जनरली, ये लोग लोअर बाजार थाना का केस इनको मालूम है, ये लोग वहाँ बुला के सबसे पहले केस बनाते हैं कि इन्होंने थाना प्रभारी से। कोई केस नंबर वगैरह आपके पास हो? कुछ नहीं है भैया। कुछ भी नहीं? जी नहीं नहीं थाने से रिक्वेस्ट नहीं किया था कि हमें केस नंबर दीजिए? जी नहीं नहीं मैंने। अगर ये व्यक्ति सच बोल रहा होगा तो मैं रांची के प्रशासन से गुजारिश करूँगा कि इसके साथ इंसाफ हो। जय हिंद, नमस्कार। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।